ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है जिंदगी के दौड़ में मनुष्य बहुत आगे चला जाता है।, लेकिन सुख और को पा नहीं पाता है कहा जा रहा है इंसान क्या ढूंढ रहा है सुख और शांति लेकिन पीछे भी भूल रहा है कि मेरी सुख शांति एक ऐसी जगह में है जो मैं बाहर टिटोल हूँ। वो एक कहावत याद आती है कि जो कहते हैं कि हिरनी के एक खुशबू पूरा तो मुझे बोलने नहीं आता लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि वो एक खुशबू होती है वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए इधर उधर दर बदर भटकती रहती है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है लेकिन जब उसको महसूस होता है कि वो उसकी नाभि के अंदर ही है फिर उसे पता लगता है कि मैं तो इधर उधर ढूंढ रही थी इसी तरह से मनुष्य भी सुख शांति के लिए इधर उधर भाग रहा है लेकिन सुख शांति एक इंसान के अंदर ही है ढूंढना चाहे तो आइए बात करते हैं अपनी कविताओं के बारे में कविताएं भी हमारे अंदर एक ऐसी जीवन शैली लेके आती है सुख शांति लेके आती है अगर उसे अच्छे से हम समझें जाने पहचाने और ये कवि के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है आज भी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं यशपाल शर्मा जी पठानकोट से मैं आपका आप मेरे उस मेहमान का स्वागत करेंगे बात करते हैं यशपाल शर्मा जी से यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका थैंक्स कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और कुछ कहने के लिए के लिए मुझे अवसर दिया जी हम आपकी चिरा किताब में से राष्ट्रवादी ले रहे थे हमारा कुछ ही पंक्तियां हुई थी अभी बहुत बाकी है राष्ट्रवाद के बारे में आपने हमें बहुत एक गहन बातें बताई गुहे बातें बताई जिसके बारे में कुछ ही व्यक्ति जानता है राष्ट्रवाद कैसे बनता है किस तरह से बनता है क्या वो एक आम जनता के द्वारा लोकतंत्र केंद्रीय जो आप इतने सारे शब्द यूज करते हैं इन सबको मिलाकर राष्ट्रवादी बनते हैं या फिर जनता के द्वारा राष्ट्रवाद कैसे बनता है राष्ट्रवाद एक भावना है एक वो पवित्र भावना है जैसे अपने माँ के प्रति हम रखते हैं जी अपने इष्ट के प्रति हम भाव रखते हैं ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं ये धरती जिसे बंकम चंद्र ने बंदे मातरम के रूप से उसकी पूजा की है सुजलाम सुखलाम मलय सो इन शब्दों से उन्होंने इस धरती माँ को माँ माना है अपना माँ मान कर के, के उसी तरह से उसकी वंदना की है ऋषि मुनि या हमारे समाज सुधारक जितने भी हैं उन्होंने धरती की वंदना पहले की है कि जैसे माँ की वंदना पहले होती है जैसे शक्ति प्राप्त करने के लिए या माँ से आशीर्वाद पा करके वो किसी काम को जब हाथ लगाते हैं शीर्ष गणेश करते हैं तो उनका कार्य पूर्ण होता है ऐसे ही ये धरती भी हमारी माँ है क्योंकि माँ तो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है और ये जो धरती माँ है ये पूरे विश्व की माँ है जी। इसी धरती से हमें अन्न जल वस्त्र प्राप्त होते हैं हुँ हुँ और इसी पे जो प्रकृति का प्रकृति ने अपना रूप अलौकिक रूप धारण की है उसे से हम सुख शांति प्राप्त करते हैं जैसे एक दरिया है दरिया की चलती हुई कल कल छल कल छी धारा ये कभी आ, कभी तो एक मोहनी या तनवंगी की एक मोहक नारी के पैरों का नूपर कहती है कि ये जेब है उसकी हुँ हुँ। और कभी वो आ, उसकी अनेक रूपों में उसकी उपमा देता है तो राष्ट्रवाद जो है ये एक बहुत पावन एक विचार है जो देश के हर एक नागरिक में होना चाहिए जी। कि मेरा ये देश है ये मेरा देश को माटी का नहीं है ये देश मेरा मां के रूप में है इसकी सुरक्षा इसमें अन्न धन भरपूर होना चाहिए और कोई ऐसा बच्चा व्यक्ति नर नारी महरूम नहीं, नहीं होना चाहिए जिससे उसकी अपने बेसक जरूरतों के मुताबिक उसे कुछ प्राप्त ना हो तो ये तभी संभव हो सकता है जब हर एक व्यक्ति इसको समझे। इसको समझे समझे और अभावग्रस्त जो प्राणी है, वो उसमें की भावना नहीं पनप सकती उसके सबसे सब बड़ा उसके जो तीन जरूरतें हैं उसकी उसके घर की खाने पीने की और रहने के मकान की जब उसकी ये पूरे होती हैं तो उसके मन में भी ऐसा भाव जागता है एक भूखा आदमी कुछ सोच नहीं सकता पेट भरा है तो सब कुछ, कुछ होता है और ये हमारा सब कुछ है नेताओं के हाथ में है जिन्होंने ऐसी नीतियाँ बनानी हैं जो समाज के देश के कल्याण के लिए हैं जो जन जन तक वो ऐसी नीतियाँ पहुँचाएँ या जो पहुँचाते हैं और जिनसे उनके नागरिक जो अभाव है उनके जीवन में पूरे होते हैं और समय समय पे उनके जो योजनाएँ हैं वहाँ तक पहुँचती हैं तो उनका लाभ जो उठाते हैं तो उनमें ये भाव आता है कि ये कहाँ से आ रहा है ये देने वाली सरकार कौन है ये इसी धरती से धरती के ऊपर जो जो वीर पुत्र पैदा हुए हैं ऐसी नीति लेकर के आ रहे हैं तो हमें भी उनके साथ जुड़ना चाहिए और लोकतंत्र पहले राजतंत्र हुआ करता था राजा राज करते थे अब लोकतंत्र है जो लोगों का राज है लोग जिसे चाहें उसे ही नेता बनाएंगे और ये उस सरकार का कर्तव्य है जिन्हें लोगों ने लोकसभा में या प्रांतीय सरकारों में भेजा है वो ऐसे कानून बनाते हैं कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना हो एक देश प्रेम उनमें उपजे ये तभी उपज सकता है कि जब नेता लोगों के मन में जवाब जागे कि हम दे हम यहाँ पे हुक्मरान के तौर पे नहीं हम लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं जब सेवा का भाव होगा तो वो ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जो दे जो उसके जन जन के लिए कल्याणकारी होंगी बहुत अच्छा आपने राष्ट्रवादी के बारे में बताया आपकी पंक्तियाँ में कुछ बयां करती हूँ बंदा वीर बैरागनी था बंदा वीर विरागनी ने था धर्म अंग अंग था कटाया धर्मना त्यागा अपना प्यारा मौत को चाहे गले लगाया मुक्त कराने भारत माता दुर्गा बन गई झांसी रानी सर्वसो जिसका भारत हेतु गोरा मिटाने रण में ठाने मंगल तांत्य वीरों ने थे बतन पे थे प्राण गवाए पशुता पूर्ण अत्याचार थे बैरी ने बीरो पर ढाए भगत राजगुरु सुखदेव आजादी के हुए दीवाने प्राण तेल था डाला अपना आजादी का दीप जलाने भूली मित्रता भाईचारा फिरते कल थे वहां फसाए सबसे पहले अठारह सौ सतावन का जो पहला स्वतंत्रता युग जिसे कहा जाता है जी वो मंगल नाम का एक सैनिक था तो उसके मन में भाव कैसे जागा कि हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता लेनी है कि उन्हें जो कारतूस दिए जाते थे जो राइफल में डालने के लिए उसमें गाय और सूअर का मांस की जो मांस लगाया होता था, था कि मुँह लगाए और उनका धर्म भ्रष्ट हो तो जब मुस्लिम बीस सिपाहियों को और हिंदू वीर सिपाहियों को जब पता चला तो उनके मन में विद्रोह जागा कि ये लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाले हैं तो सबसे पहला जो शंखनाद था स्वतंत्रता के लिए वो मंगल पांडे ने वो शुरू किया था तांते टोपे उसके बाद में आए और रानी झांसी जो थी वो एक चंडी बनकर के सम्राम उतरी थी अंग्रेजों के लिए क्योंकि उसकी अपनी को संतान नहीं थी और उसने पुत्र लेने की ठानी जिसकी परमिशन जिसकी आज्ञा अंग्रेज सरकार ने नहीं दी और अंग्रेजों की ऐसी नीतियां बनती जा रही थी कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है या अपने पेट से राजा और रानियों का वो सीधा ही सीधा उस पर हमारा अधिकार होगा किंतु तो रानी ने कि ये अन्याय है चाहे मैं गोद पुत्र ले रही हूँ तो मुझे ये हक होना चाहिए कि मैं अपने राज्य का या अपना उत्तराधिकारी बनाऊ मैं तो वो लड़ी तो हमारे कई कवियों ने उसके ऊपर बहुत अच्छी सुंदर कविताएं कही है तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी वो मर्दों से भी ज़्यादा वो सहनी बन करके अंग्रेजों के साथ वो लड़ी और आखिरी सांस तक उन्होंने अंग्रेजों में ऐसी खलबली मचाई थी अंग्रेज सोच रहे थे कि हम इसके सामने रण में हार जाएंगे किंतु आखिर अकेली क्या करती? थोड़ी सी सेना थी अंग्रेजों का बहुत बड़ा विस्तार था बहुत बड़ी सेना थी आखिर वो मृत्यु को प्राप्त हुई और आखिरकार उन्होंने उसके राज्य के ऊपर लेकिन एक बात यह है कि आदि काल से हाँ। ये चला आ रहा है कि कभी भारत पे अंग्रेजों का एक राज्य था फिर उसके साथ साथ अब मुसलमान भी हमारे भारत के ऊपर इतनी सारी मतलब लड़ाइया कर रहे हैं हाँ। ये भारत ही क्यों ऐसा भारत इसलिए कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है जी इसमें मैं आपकी बात यहाँ पे इसलिए काट रही हूँ कि हाँ। मतलब हमें पता है कि भारत ऐसा था हाँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातों बातों में बहुत गहरी गहरी बातें आप जो अनुभवी लोग हैं हाँ। आप जो कवि हैं आप जो गीतकार हैं आप जो इन चीजों को जब टिटोलने लगते हैं हाँ। तो बहुत इतिहास तक आप चले जाते हैं बिल्कुल और इतिहास में जब जाते हैं तो बहुत सी बातें आपके जीवन में आती है हमें जानने में ये अच्छा लगता है कि हमारा इतिहास ऐसा था हुँ. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज दिन तक अंग्रेज करते आए राज्य फिर अब अभी देखा जाए तो इतने मुसलमान कभी कोई कभी कोई तो भारत के ही पीछे भारत ऐसी क्या चीज भारत सारे जहां से है अच्छा हिंदुस्तान हमारा तुझे तो इकबाल ने जो लिखा वो गलत नहीं लिखा मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर सतारां बार हमले किए और ऊँटों के ऊपर वो हीरे जवाहरात सोना चांदी लाद करके बोले गया आपके हिमाचल का एक ऐसा मंदिर है आ, कांगड़ा में जो मंदिर है देवी का मंदिर है जी। तो उसमें भी वो ऊँटों पे लाद करके वो कुंटलों के हिसाब से वो जो मुसलमान राजा था वो सारा कुछ ले गया था Hmm. सोने की पालकियां थी चंबर थे तो ये लोग एक लुटेरे रूप में आए और साथ साथ अपने साथ वो जो लो लश्कर आए उनकी सेना आई उसमें बहुत से यहाँ रह गए, तो सोने की चिड़िया समझकर उन्होंने यहाँ लूटा और वो लूटने में इसलिए कामयाब हुए कि जहाँ पे छोटे छोटे रज्जे थे hmm. जी आपस में लड़ते झगड़ते रहते और वो एक दूसरे का लाभ उठा करके वो जो बाहर के हुक्मरानते इन पे हावी होते चले गए अगर ये लोग इकट्ठे होते जैसे आज एक संगठित भारत है आज एक एक उनमें जितने राज्य हैं वो सारे सारे प्रांतीय सर, सरकारें जो हैं वो इनके अधीन है एक संघ है हमारे जितने राज्य सरकारें हैं या केंद्रीय शासित प्रदेश हैं वो सा, उन सब के ऊपर निगरानी जो है वो केंद्र की रहती है प्रांतीय सरकारें अपने प्रांत का काम देखती हैं और केंद्र सरकार जो है वो हर एक प्रांत के ऊपर वो नजर रखती है किसे क्या जरूरत है उसकी जरूरत तो को पूरा अंग्रेज करते पहले है। से ही भारत पे क्यों राज्य करते आए क्या पहले भारत पे कुछ ऐसा नहीं था भारत के लोग ऐसे ताकतवर नहीं थे या जो कहा जाए कि भारत के ऊपर अंग्रेज शासन ना कर सके असल में होता यही है कि कोई भी दुश्मन तब तक आ, किसी के ऊपर काबज नहीं हो सकता जब तक के वहाँ पे बिखराव ना हो उनमें संगठन ना हो उनमें एकता ना हो हमारी एकता का एकता ना होने का जो बाहर के हमला बर थे उन्होंने इसका लाभ उठाया छोटे छोटे रज्जे थे जो आपस में लड़ते थे एक को बहला करके फुसला करके लालच दे करके उसी ही राज के वो के खिलाफ राजाओं को कर देते थे और अपना उल्लू वसीदा कर लेते थे यही कारण था कि बार बार जो हार, जो, भारत था, जो हार भारत था एक एक राजा छोटी छोटी रियासत को हारता गया और अंग्रेज कौम या मुगल कौम जो थी वो धीरे धीरे इस पर काबज होती चलेगी उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे इन, इनके ऊपर काबज बनते गए वो आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे वो एक व्यापार करने के लिए और जहाँ पे जब देखा कि ये लोग कमजोर हैं या आपस तो में उनकी, उनकी फूट है कहते हैं ना घर का बेदी लंका डाले तो बभीीषण की लोग उदाहरण देते हैं कि रावण नहीं हारता रावण नहीं मरता और लंका जो सोने की थी वो सुरक्षित रहती अगर उसका भाई बभीषण उसके भगवान राम से ना जुड़ता तो तो यहाँ भी फिर जहाँ पे जमींदार थे बड़ बड़े बड़े आईस आदमी थे तो उन लोगों को अंग्रेजों ने पदमियाँ दी तू राय साहब है तू जेलदार है तू ये है उनको अपने साथ मिला करके जो लोग थे उनके ऊपर उनके दबदबा बनाए रखा उनके ऊपर मनमानियां करते रहे कि ताकि जो अंग्रेजों के सामने या अंग्रेजों के लिए जिक मुसीबत खड़ी न कर रहे यही कारण था कि भारत जो था वो अंग्रेजों के धीरे धीरे गुलाम होता चला गया अब क्या लगता है अब लगता जी हा हमारी तरफ को आंख उठा करके नहीं देख सकता <laughs> अब हमारा वो चाइना ने एक बार गलती की थी सन उन्नीस सौ बासठ में उसका कारण यही था उसका कारण था कि एक अति विश्वास, एक अंधविश्वास हमारे पहले प्रधानमंत्री समझते थे कि चाइना ये हमारा मित्र देश है गवांडी है तो पड़ोसी के साथ बढ़नी चाहिए अच्छी बढ़नी चाहिए <laughs> किंतु राजनीति ये कहती है चाणक्य ने अपनी राजनीति में लिखा है चाणक्य नीति में लिखा है कि राजा वो सफल है वो कामयाब है जो सारे मंत्रियों का विश्वास हासिल करे और सारे मंत्री अपने मन में सोचें कि जितना विश्वास राजा मुझ पे करता है ये किसी पे नहीं करता किंतु राजा वो कामयाब है विश्वास सबका जीते किंतु किसी के किसी मंत्री के ऊपर भी वो विश्वास ना करे उनके हर काम के वो काम के ऊपर नज़र उसकी रहनी चाहिए कि जे कहीं मेरे विरुद्ध ही तो राज्य के विरुद्ध तो कभी षड्यंत्र षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है तो नेहरू जी वही मार खा गए थे और जिसका उन्हें बहुत घात लगा था तो क्या पहले जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन करा मतलब राज्य राज किया उस टाइम क्या ये हमारी सरकार नहीं थी नहीं सरकार ने आ, क्या भारत को आजाद नहीं करवाया या आजाद करवाने की कोई क्षमता नहीं थी उस समय जब देश आजाद हुआ जी। तो पांच सौ पैंसठ थी एक भारत के अंदर तो भारत को जब आजाद हुआ तो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि देश को कैसे संकट रखा जाए उन नेताओं में एक ऐसा नेता जिसे हम लव पुरुष कहते हैं था सरदार वल्लभ भाई पटेल उसे लव पुरुष क्यों कहते हैं जानना बड़ा जरूरी है जरूर। वो वो एक किसान के बेटा थे, बेटे थे। बेटे जी। और वो वकील बने जब वो किसी मामले के ऊपर जज के सामने बहस कर रहे थे तो एक आदमी आया उसने उन्हें एक टुकड़ा दिया जो जो उसके घर से तो उसने ऐसे करके देखा अपने जेब में डाला और बहस करता रहा जहाँ बहस पूरी हुई तो उसने जज को सारे वकीलों को बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है जी। लोगों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति ये कॉमन हृदय नहीं है ये कॉमन हृदय नहीं है ये आदमी तो लव पुरुष है उसी विचार से लोगों ने उसका नाम रखा लव पुरुष जी इतना बड़ा घास है करके वो अपना काम पूरा करने के बाद उसने लोगों को बताया और 14 अगस्त तक 561 सौ इकसठ रियासतों ने लेकर के दे दिया था कि हम भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं हम भारत में अपनी जो रियासतें हैं उनमें विलय करते हैं सो सरदार पटेल ने पहले प्यारसों से बहुत ही सख्त आदमी गिना जाता था तो उन लोगों ने उन लोगों को समझाया कि भारत को एक बनाने के लिए हमारी बोलिए हमारे रीति रिवाज हमारा भाईचारा ये एक होना चाहिए एक होना चाहिए यद्यपि हम अलग अलग छोट छोटे छोटे रियासतों में बटे हैं तो अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे भारत को एक संगठन एक संघ के नीचे नहीं इकट्ठे होंगे तो हमारा फिर हाल वही होगा कि कोई अंग्रेज जैसा कुछ याशक आएगा तो हमारे देश के ऊपर पूरा कब्जा कर जाएगा उसमें चार रियासतें ऐसी रह गई थी जो अपने आप को कहती थी कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे उसमें सूरतगढ़ थी जूनागढ़ थी और हैदराबाद था जम्मू कश्मीर था तो वो देश के उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे तो उन्होंने हैदराबाद को जो निजाम था उसने घोषणा कर दी थी कि मैं तो पाकिस्तान के साथ मिलूँगा किंतु अंग्रेजों ने तीन विकल्प रखे थे वो क्या कि सबसे पहला के भारत और पाकिस्तान जो दो तो हिस्से हो गए हैं वे राज्य जिनकी सीमाएं भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ लगती हैं वो उनके साथ जा सकते हैं तीसरा विकल्प था कि भाई जो रियासतें हैं कोई इन दोनों के साथ मिलना चाहे या ना मिलना चाहे जो उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर है और हैदराबाद जो था वो भारत के पेट में एक गोला था एक फोड़ा था अगर वो भारत के बीच में एक नया पाकिस्तान बनता हमारे लिए बहुत ज्यादा वो परेशानी पैदा करता तो उसे साधने के लिए सरदार पटेल ने ऐसा कहते हैं कि उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की और कहा कि आओ हमारी बात सुनो तो जब वो नहीं माना तो नेहरू की पॉलिसी ये थी कि ऐसा हमें नहीं करना हमें दबाव में किसी के ऊपर दबाव डाल करके उसे उस, उस रियासत को नहीं मिलाना नहीं चाहिए, चाहिए। किंतु तो सरदार पटेल जानते थे कि अगर ये ये हैदराबाद रहेगा ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा क्योंकि वो मुस्लिम शासक था वहाँ पे हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी मुसलमानों की कम थी और उसने बहुत ज़्यादा जो धन था वो पाकिस्तान को देना मान लिया था कि इतना पैसा मैं तुम्हें अपना विकास करने के लिए दूंगा तो सरदार पटेल ने नेहरू के नेहरू के बिना एक फैसला लेकर के निर्णय लेकर के उसके ऊपर चढ़ाई की और उसे काबू किया और अपने में भारत में उसे सम्मिलित किया इसी तरह से जूनागढ़ थी किंतु एक रियासत जो बच गई जम्मू और कश्मीर वो अभी तक नहीं हुई तो उसका कारण ये बना कि नेहरू जी वहाँ के बशिंदे रहे थे तो इन्होंने सोचा कि मैं ये रियासत मुझे आप इस इस रियासत का काम है मैं देखूँगा और एक ऐसा विभाग बनाया था और उस विभाग के जो मुखिया थे वो सरदार पटेल थे वो था कि जो राज्य रह गए हैं उनको अपने में मिलाना ये इनका काम था इनके किंतु इस रियासत को उनसे परे कर दिया गया और यही कारण बना कि जब अंग्रेजों ने देखा जब पाकिस्तान ने देखा कि ये रियासत एक बची है जो हमारे साथ लगती है तो यहाँ पे मुस्लिम जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने लीडरों को जो वहाँ के लीडर थे लोग थे उनको बहलाना फसलाना शुरू किया कि ये रियासत हमें मिल जाए और उसने अपने थोड़े थोड़े जो सैनिक थे वो सिविल बर्दी में बेचने शुरू कर दिए कुछ कबाइलियों को भेजना शुरू कर दिया एक प्रश्न और उठता है जी। कि उस समय जब देश आजाद हुआ तो उसकी आर्थिक ऐसी आर्थिक हालत ऐसी थी कि वो इतना असर शस्त्र कैसे उसने प्राप्त किया हाँ मतलब देखा जाए तो कुछ था ही नहीं था लड़ाई कैसे करेंगे अंग्रेजों ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जो पहला विश्व युद्ध लड़ा उसमें भी बहुत ज्यादा जो पैसा था वो लोगों ने इकट्ठा करके दिया था कि चलो ये हमें बहुत ज्यादा रियायतें देंगे जब ये पहला प्रथम युद्ध जीतेंगे और उसके बदले में उनको मिला राउल्ट एक्ट इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा जी जरूर दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ जो उन्नीस को खत्म हुआ तो उस विश्व युद्ध में का जो खर्चा आया वहाँ पे उसका बोझ भी अंग्रेज़ों ने हम पे डाला तो आधा आधा अब बांटना था अब पाकिस्तान को भी पैसा देना था जो हमारा कोष था तो भारत ने भी लेना था वो सारा जो बांट का जो काम था वो सरदार पटेल के साथ था सरदार पटेल वो वो पैसे की बांट उसे नहीं देना चाहते थे पर सरदार पटेल जानते थे कि अगर मैं इसको पैसा दिया तो ये अपनी फ़ौजों को चुस्त दुरुस्त करेगा गोला गोला बारूद खरीदेगा हथियार ख़रीदेगा और जे हमारे ऊपर हमला करेगा वो एक मजे हुए राजनीतिक राजनेता थे किंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया तो वो व्रत के ऊपर बैठ गए कि मैं उसे हिस्सा दो उसका जो बनता है तो पाकिस्तान ने जो अंग्रेज़ों ने हमसे एक हरजाना लेना था दूसरे विश्व युद्ध का लड़ा उसने है जी। और हर हरजाना किस पे डाल रहा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के ऊपर डाल डा रहा है तो पाकिस्तान ने कहा कि जितना हिस्सा बनता है इतना मैं नहीं दे सकता तो गांधी जी के विरोध के बावजूद कैसे हिस्सा मिलना चाहिए पाकिस्तान को तो उसे दिया और जैसे ही उसे दिया उसने अपनी वो अपनी फौजों को चुस्त दुरुस्त करना शुरू किया और क्वालियो के बेच में इक्की बाईस रात को छब्बीस इक्कीस बाईस अक्टूबर उन्नीस सौ को उसने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया और वही एक कारण बना कि जो हिस्सा उसने उसके हिस्से आया उसे बहुत कुछ छुड़वाया गया यहाँ का जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना वो जिन्ना था और यहाँ का जो राष्ट्रपति बनाया गया वो लार्ड माउंट बेंटन था माउंट बेंडन की जो तार थी वो पाकिस्तान के बैठती थी वो चाहता था कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान को मिले अच्छा हाँ तो उसने जब राजा हरी सिंह को ने इधर संदेशा भेजा जवाहरलाल नेहरू को कि मेरी मदद करिए यहाँ जे हाँ, और उस कबायलियों के हमले में और उन कबायलियों के साथ कम से कम पचास हजार सैनिक पाकिस्तान के थे अरे बाबा तो वो कृष्ण एक गंग, कृष्णा गंगा एक नदी है जी तो वहाँ पे हिंदू थे बहुत ज़्यादा उनके साथ कवालियों ने और पाकिस्तान के सैनिकों ने बलात्कार किए हजारों की संख्या में जो उनके बच्चे थे नौजवान थे उनको मारा और लड़कियों को बर्बाद किया स्त्रियों को बर्बाद किया तो उसने शर्त रखी माउंट बैंट ने कि जब तक आ, राजा हरी सिंह इस रियासत को बिले के साइन नहीं करता कागजों के ऊपर तब तक भारत जो है वो वहाँ अपनी फौजें नहीं भेजेगा सताई अक्टूबर को जवाहर लाल नेहरू के आवास के ऊपर निवास के ऊपर उस समय का रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था और सरदार पटेल शेख अब्दुल्ला ये सारे इकट्ठे हुए तो सताई अक्टूबर को साइन और सने हरी हरी संघ ने किया कि जे रियासत में आपके साथ मिलाता हूं। उस समय फिर जाकर के भारत की फौजों ने मोर्चा संभाला और दुर्भाग्य की बात यह है कि जीते हुए जीते हुए जो हमारे इलाके थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ने उनको दे दिए क्या बात है ये दुख की बात मतलब है। मतलब हमारा भारत हाँ। पहले से ही देने वाला है देने वाला है लेने वाला आज दिन वाला तक वो बना नहीं, नहीं। इसीलिए वो मतलब विश्वास होने के बावजूद आज दिन तक धोखे में ही रहा अंत आपका कहने का यही है कि हमें हमें हमने आज दिन तक विश्वास किया और विश्वास करने के बाद हमको धोखा ही मिला हमारा विश्वास हारा हमारा विश्वास टूटा जी <laughs> आपकी राष्ट्रवाद में राष्ट्रवादी इस कविता में हमें इतना कुछ आपने अभी इतिहास के बारे में बता रहे थे आपकी कविता भी फिर से अधूरी रह गई है ये कब पूरी होगी हम पूरी कोशिश करेंगे अगली कड़ी में इसको पूरा करने के लिए लेकिन बहुत अच्छा लगा इतिहास के बारे में जानकर मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत आपका बहुत नहीं बहुत धन्यवाद मित्रों अभी भी हमारी ये कविता पूरी नहीं हुई अगली कड़ी में राष्ट्रवादी के बारे में फिर से चर्चा करते हुए आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति ओम शांति नमस्कार